Hello dear students, this is my next video of GK, and today I'm going to cover the page number 22. They said it. So here are the few examples of the famous person who stated the famous quotes or said something about our lives. And let's see what are the statements they had given us. First one is lie live as if you were to die tomorrow and learn. एज इफ़ यू were टू live फॉर एवर हमको ऐसे जीना चाहिए कि हम कल मरने वाले हैं मतलब जी भर के जीना चाहिए है ना और लर्न ऐसे करो लर्न एज इफ यू were टू live फॉर एवर और हमें ऐसा सीखना चाहिए कि वो हमको ज़िंदगी भर याद रहे ठीक है तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है वो उसको किसने बोला है ये आपको बताना है ठीक तो ये जो चीज़ है वो उनको हमारे जो फेमस आ, नेशनल जो फादर हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया है कि हमको ऐसा जीना चाहिए कि वो जो है ज़िंदगी भर लोग हमको याद रखें है ना और हमको ऐसा सीखना चाहिए कि वो सीखे हुई बात हमको ज़िंदगी भर याद रहे ठीक है तो ये बोला है महात्मा गांधी ने लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू जेड एंड इमेजिनेशन विल गेट यू एवरीवेयर तो हमको ये पता है कि अगर हम किसी चीज़ से किसी चीज़ का लॉजिक लगाएं तो हम उसको ए टू जेड तक जा सकते हैं तो अगर हम इमेजिनेशन इमेजिजेशन इमेजिनेशन करना सीखें या आ, सोचना सीखें तो हम कहीं भी जा सकते हैं है ना तो इमेजिनेशन पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि इमेजिनेशन जो है हमको हर जगह या कहीं भी ले जा सकता है सपना देखते हो ना एक रात के सपने में हम कहाँ से कहाँ घूम के आ जाते हैं कहीं जापान कहीं चीन कहीं और है ना तो ये क्या है इमेजिनेशन है एक टाइप का सपने में जैसे हम घूमते हैं तो आप इमेजिन करना सीखो ठीक है इमेजिनेशन में हम जिसे कहाँ भी जा सकते हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग थर्ड पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड हैप्पीनेस रेडीमेड होता है क्या नहीं कहीं आप दुकान में जा के बोलते हो क्या मुझे एक किलो खुशी दे दो नहीं बोलते ऐसा या मुझे खुश कर दो नहीं बोलते क्योंकि खुशी जो है वो इनर एक्शन है, है ना वो अंदर से आती है बाहर से नहीं आती इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको अपने आप अप में अच्छा लगने लग जाता है लगता है कि नहीं आप दिन भर खेलते हो लेकिन मम्मी के बिना बोले या मम्मी के बोलने से पहले आप एक घंटा पढ़ दो ना मम्मी भी खुश हो जाएंगी और आपको अपने आप अप में भी अच्छा लगेगा हाँ आज तो मैं डांट नहीं खाया मैं तो बहुत अच्छा काम कर लिया या मैं बहुत अच्छा काम कर ली है ना तो जब हम कुछ अच्छा कर देते हैं या जब कुछ अच्छा होता है तो हमको अपने आप में ही अच्छा लगता है जैसे कुछ फेस्टिवल वगैरह आता है हम बहुत खुश होते हैं होते हैं कि नहीं अपने आप से ही खुश रहते हैं हमारे बर्थडे के दिन हम बहुत अच्छे से खुश रहते हैं और दैट इज़ द हैप्पीनेस विच इज़ कम ऑलवेज फ्रॉम आर इन है ना जो हमेशा हम अंदर से आती है और अपने काम से आती है ना तो ख़ुशी जो है हमको अपने कामों में मिलनी चाहिए हमको अपने काम में जो है खुशी ढूंढना चाहिए तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है उन्होंने बोला है दलाई लामा तलाई नामा जो है उन्होंने बोला था कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड हैप्पीनेस कभी भी रेडीमेड नहीं होता ये आपके खुद के काम से आती है ठीक तो है तो वैसे ही आपको हिंट्स दिए हैं इसको आपको कंप्लीट करना है भरना है ठीक है कॉपी में और आप उसको लर्न भी करना है साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन का टॉपिक सातवां मैं और फेमस पर्सनैलिटी जो है उनके बारे में बताना चाहूँगी द ड्रीम इज़ नॉट द थिंग दैट यू सी इन स्लीप बट द थिंग्स दैट डजन लेट यू स्लीप सपने वो नहीं जो हम सोते हैं उसके बाद देखते हैं सपने वो होते हैं जो हम को सोने नहीं देते हैं तो ये बोला था डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने ठीक तो ये सभी वीडियोज़ हैं आप इनको देखें और पढ़ें और अपना बुक जो है कम्प्लीट करें ओके क्लास मैं मंडे को आपका टेस्ट लूँगी ठीक तो आप उसको पढ़ें और जाने ओके बाय सी यू एंजॉय योर डे